नमस्कार, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सरकार जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 2 अगस्त 2018 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसे द हिंदू सहित अदर न्यूज़ पेपर के एनालिसिस से तैयार किया गया है। इसका PDF और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन जरूर दबा दें। क्वेश्चन होगा, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कितने अधिकारियों की कमी से जूझ रही है? आंसर है 9096। देखिए, रक्षा राज्य मंत्री हैं सुभाष भामरे, उन्होंने लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। तो थल सेना में कुल 49,933 अधिकारियों के पद हैं, जबकि 1 जनवरी 2018 तक सिर्फ 42,635 अधिकारी ही सर्विस में थे। तो इस तरह सेना को 7,998 सैन्य अधिकारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन नेवी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नौसेना में 11,352 सैन्य अफसर होने चाहिए, लेकिन 1 जुलाई 2018 तक सिर्फ 9,746 ऑफिसर ही हैं। इसलिए यहां पर 1,606 नौसैनिक अधिकारियों की कमी है। हालांकि एयरफोर्स में अधिकारियों और जवानों की ज़्यादा कमी नहीं है, यहां सिर्फ 192 सैन्य अधिकारियों के पद खाली हैं। अगला क्वेश्चन होगा, RBI ने 1 अगस्त 2018 को मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान कितना प्रतिशत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया है? आंसर है 0.25%। देखिए, RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है, यानी 0.25। ठीक है, तो ये बढ़कर अब 6.5% हो गया है रेपो रेट। वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो बढ़कर अब 6.25% कर दिया गया है। ये रिवर्स रेपो रेट पहले 6% था। सवाल उठता है कि रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंक को RBI कर्ज देता है। जब भी बैंकों के पास कोष यानी फंड की कमी होती है तो वे इसकी भरपाई करने के लिए RBI से लोन लेते हैं। RBI की तरफ से दिया जाने वाला ये जो कर्ज है वो जिस दर पर मिलता है, जिस परसेंट पर मिलता है, उसको कहते हैं रेपो रेट। RBI रेपो रेट में बढ़ोतरी इसलिए करता है ताकि देश में महंगाई को नियंत्रण में रखा जा सके। तो जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो ऐसे में बैंक जो हैं वो RBI से कम कर्ज लेने लगते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई में कमी आती है और महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलती है। अगला सवाल होगा कि रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो ये वो दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा जो धन है उस पर ब्याज मिलता है। अब सवाल एक और उठता है कि RBI ने क्यों ब्याज दरें बढ़ा दी हैं? तो देखिए, RBI की ओर से जो नीतिगत दरों में इजाफा किया गया उसकी वजह महंगाई, MSP और मानसून को बताया गया है। RBI के अनुसार कई क्षेत्रों में महंगाई बढ़ी है इंडिया में, और ट्रेड वॉर जो चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, उसकी वजह से इंडिया का निर्यात पर भी असर पड़ा है। दूसरी ओर डॉलर की मजबूती की वजह से कैपिटल फ्लो में कमी आई है और ग्लोबली कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो इसी वजह से ये रेट बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने समाज कल्याण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को बैंक खातों के साथ जोड़ने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? आंसर है दिल्ली सरकार। ये डिसीजन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में 31 जुलाई 2018 को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस फैसले से बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को अब आधार के कारण दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग से जो पेंशन दी जा रही है उसकी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि आधार पंजीकरण का काम भी साथ साथ चलेगा, लेकिन इसके अभाव में, इसकी यानी इसकी कमी में किसी की पेंशन रुकनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने आधार लिंक बैंक अकाउंट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है इन सेवाओं के लिए। दरअसल दिल्ली सरकार ने वर्ष 2016 में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के पेंशन की रकम को बढ़ा दिया था, लेकिन ये रकम केवल आधार से जुड़े खाते में ही दिया जा रहा था। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग थे जो इस पेंशन से वंचित थे आधार के लिंक न होने की वजह से। यही हाल पूरे देश में है, हालांकि दिल्ली सरकार ने कदम उठा लिया है। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने किस विधेयक को मंजूरी दी है जिससे कुष्ठ रोग को तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता है? आंसर है पर्सनल लॉज संशोधन विधेयक 2018।
इसके तहत ईसाइयों के तलाक अधिनियम, मुस्लिम विवाह अलगाव अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू गोद लेने और गुजारा भत्ता अधिनियम में संशोधन करके तलाक के लिए कुष्ठ रोग को आधार बनाने को प्रतिबंध किया जाएगा। अब तक इन कानूनों में तलाक लेने के लिए कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को आधार बनाने का प्रावधान था, क्योंकि जब ये कानून बने थे उस वक्त कुष्ठ रोग एक लाइलाज बीमारी थी, लेकिन अब कुष्ठ रोग कई तरह के दवाओं से पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसलिए अब माना जा रहा है कि किसी भी कानून के तहत कुष्ठ रोगी को अलगाव का प्रावधान नहीं रखना चाहिए। ठीक है, दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव में सिग्नेचर कर रखे हैं जिसके तहत कुष्ठ रोग के पीड़ित को किसी भी स्तर पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस आकार की नई कोशिकाओं की खोज की है? उस आकार का स्पेशल नाम रखा गया है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। आंसर है स्कूटोइड। देखिए, अमेरिकी और स्पेनिश वैज्ञानिकों ने इपिथीलियल कोशिकाओं के रिसर्च के दौरान मानव कोशिकाओं के नए आकार की खोज की है और इसी का नाम ये रखा गया है स्कूटोइड। ठीक है, इस खोज से ये जानने को मदद मिलेगी कि कोशिकाएं शरीर के अंदर पूरी तरह पैक 3D संरचनाओं में खुद को कैसे व्यवस्थित रखती हैं और यही संरचनाएं शरीर में सुरक्षा कवच का काम करती हैं। तो ये कैसे होता है, ये सब पता चलेगा अब। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को पछाड़ कर इनमें से कौन सी कंपनी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, पिछले महीने TCS सबसे कॉस्टली कंपनी बन गई थी, उस वक्त उसके शेयरों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी कीमतों में। अब रिलायंस इंडस्ट्री इस मामले में आगे हो गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चीन और किस देश से सोलर सेल के आयात पर 25% संरक्षण टैक्स लगाया है? आंसर है मलेशिया। इस फैसले की वजह है और उद्देश्य यह है कि जो घरेलू सोलर सेल निर्माता हैं उनको सहायता दी जाए। ठीक है, अभी क्या होता है कि चाइनीज़ और मलेशिया के जो सोलर सेल हैं वो बहुत सस्ते होते हैं और इंडिया में जो सोलर सेल बनता है उसका कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ही। तो इसकी वजह से इंडियन सोलर सेल निर्माता सेक्टर है वो काफ़ी पीछे चल रहा था, अब उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है? आंसर है महाराष्ट्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी किंग पेंगुइन की कॉलोनी किस देश में है जहां इसकी आबादी 35 वर्षों में 88% कमी दर्ज की गई है? आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 7 राज्यों में राज्यपाल रह चुके भीष्म नारायण सिंह का निधन कब हुआ? आंसर है 1 अगस्त 2018। वो 81 ईयर के थे और तमिलनाडु, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश सहित 7 राज्यों में राज्यपाल रह चुके थे। 1980 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री रहे। इसके बाद 1983 में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। 1984 में वो असम और मेघालय के राज्यपाल बने। 1987 में अरुणाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे। 1991 में उन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया था। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम क्या है, तो भीष्म नारायण सिंह, वो 1987 में बने थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के कमांडर अब्दुल रहमान को वैश्विक आतंकी घोषित किया है? आंसर है अमेरिका। ये अब्दुल रहमान 1997 से 2001 के बीच भारत में लश्करे तैयबा के हमलों के लिए मेन लीडर था, मेन संचालक था, और 2018 की शुरुआत तक वो आतंकी संगठन में सीनियर कमांडर के तौर पर बना हुआ था। तो ये था 2 अगस्त 2018 का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब करेंट अफेयर्स का अगला वीडियो कल मॉर्निंग को आएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। करेंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।